तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं एगलेस केक बनाऊंगी। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए होगा, ये मैंने सामान लिया है 200 ग्राम मैदा है, 200 मिल्क मेड है कस्टर्ड पाउडर, हाफ कटोरी आइसिंग शुगर है, तिहाई हिस्सा ऑयल है, और ये वनीला एसेंस है, ये बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, और ये विनेगर। तो हम सबसे पहले जो है गैस जलाएंगे और ये पतीला रखेंगे, पतीले में बनाएंगे केक, और इसमें हम ये नमक डाल देंगे, ये मेरे पहले भी यूज किया हुआ है, और इसको प्री हीट होने देंगे गर्म होने के लिए। हमने 25 ग्राम मक्खन लिया है, इसको हम अभी पिघलाएंगे। ये देखिए मक्खन पिघल गया है, अब हम इसमें डालेंगे मक्खन डालेंगे और ये ऑयल डालेंगे। और हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे, कस्टर्ड पाउडर, इसको घुमाते रहेंगे। देखिए दही डालेंगे अब इसमें, सॉरी मैं दही भूल गई थी बताना आपको, इसमें दही डालेंगे। और हम इसको इसी राउंड में घुमाएंगे ताकि केक में हवा भरे, और जितनी हवा भरती है केक में उतना ही केक टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही नरम बनता है फ्लफी। अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा बैटर बना है। और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, मैदा हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि फिर लम्स पड़ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी डाल के हम इसको अब चम्मच से घुमाएंगे, इससे नहीं घुमाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके इसको मेल्ट करते रहेंगे। ऐसे मिक्स करते रहेंगे इसको। इसमें हम 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच खाने वाला सोडा, और अब इसको घुमाएंगे। अब ये वनीला एसेंस डालेंगे 2 चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे। लेंगे
और इसमें घी लगाएंगे। और ये बटर पेपर इसमें बिछा देंगे ऐसे। और इसमें अब हम पेस्ट डालेंगे। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ, स्मूथ एकदम। ये इसमें बैटर हम डालेंगे अब इसमें। इसको टैप करेंगे ऐसे, बबल ना बने, धीरे धीरे टैप करेंगे। और ये हमने गर्म होने के लिए रखा था। इसमें अब हम ये रखेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। और अब हम इसको ढक देंगे 30-35 मिनट के लिए। 35 मिनट बाद देखेंगे, देखते हैं। ये केक हमारा तैयार हो गया है। अभी इसको हम ठंडा होने देते हैं। देखते हैं, ये केक हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट इसमें लगाकर इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर हमारा केक तैयार हुआ है। देखिए हमारा कितना सुंदर, कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए हमारा केक तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।